हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की पार्ट 7 के बारे में। आज इस वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी कि एपी की वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी आज उससे लंबी स्टेटमेंट्स देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है, प्लस कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे कुछ हटकर कि कॉम्प्लेक्स तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, किस तरह के आते हैं और किस तरह से इजी वे से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमें इस एपी की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A20 हमें फाइंड आउट करना है, राइट। इसके बाद हुज थर्ड टर्म इज 7, तो थर्ड टर्म इज 7 का मतलब होता है, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A+2D, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम टर्म्स को किस तरह से लिखते हैं। A+2D इज इक्वल्स टू 7, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द 7th टर्म, तो पहले हम 7th टर्म लिख लेते हैं, A+6D, राइट, एक्सीड्स। पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सीड्स वाला क्वेश्चन भी करवाया है, इसमें मतलब होता है एक्सीड्स द 3 times द थर्ड टर्म। पहले हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A+2D, ठीक है। थर्ड टर्म से एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, बाय टू का मतलब हो गया 2 ज़्यादा है। एक बार दोबारा से देखते हैं, एंड द 7th टर्म को मैंने लिख लिया A+6D इज इक्वल टू एक्सीड्स द 3 times भी है यहाँ पर, 3 times the third term का मतलब हो गया ये 3 times the third term, ये 3 times the third term A+2D by 2 का मतलब हो गया एक्सीड है, मतलब प्लस करना है हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, A+6D इज इक्वल्स टू 3A+6D+2। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम, 6D और 6D यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव के साइन थे। हम क्या करेंगे, A-3A इज इक्वल्स टू +2, -2A इज इक्वल्स टू 2, सो A विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ से हमें डायरेक्टली A की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू -1, यानी कि इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, -1। देन अब आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो आप A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं A की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, दैट इज 2D इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो D की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। आप ये दोनों चीज़ें नोटिस करके रखिए, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, 20th टर्म ऑफ एन AP, A20 फाइंड आउट करनी थी, तो A20 का मतलब हो गया A+19D, ठीक है। अब सिंपल है, इसमें वैल्यूज पुट करिए, A की वैल्यू कितनी है, -1 + 19 × 4, ठीक है। 19 × 4 हमारे पास होते हैं 76, 76 में से 1 निकाले, दैट इज इक्वल्स टू 75, यानी कि इस AP की 20th टर्म जो है वो कितनी है, 75। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर सारा। नेक्स्ट उसने एक और चीज़ दे रखी है, ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब हो गया an, ठीक है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है A+(n-1)×D, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम, A की वैल्यू पुट करेंगे -1 + nth टर्म है तो n हमें नहीं पता, n ऐसे ही रहने दीजिए। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, +4n-4, थोड़ा सा और सॉर्ट आउट हो सकता है, 4n-5, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इस क्वेश्चन की nth टर्म और ये थी आपकी 20th टर्म। आप जैसे भी हो, जितनी मर्जी टर्म्स निकालने को बोली हो, जौन सी मर्जी टर्म निकालने को बोली कि, आप बहुत ही इजी वे से हर क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज गिवन 1/9, ठीक है। तो 7th टर्म का मतलब हो गया A+6D इज इक्वल्स टू 1/9 गिवन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है।
अब नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस एट डी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1/7, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। मैं ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऐसे लिख रही हूँ, a प्लस एट डी इज इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। अब ये a सेम है, इनकी क्या करूँगी मैं, साइंस चेंज करूँगी, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप एलिमिनेशन करिए, चाहे आप सब्सटीट्यूशन करिए, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, 6 - 8 दैट इज -2d, 1/9 -1/7, इसको आप रफ में कर देख सकते हैं, इट विल बिकम 9 और 7 का एलसीएम होता है 63, ठीक है। 9 7 = 63, 7 - 9 दैट इज -2/63, ठीक है। ये आप रफ में सॉल्व करके इधर लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/63, ठीक है। ये आपके डी की वैल्यू आ गई कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। अब आप किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ, ए प्लस 8 × 1/63 इज इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 8/63 इज इक्वल्स टू 1/7, इस 8/63 को उधर ले जाएंगे, अभी हम 1/7 - 8/63, ठीक है। 7 और 63 का एलसीएम विल बी 63, ठीक है। 7 के टेबल पे 63 आता है 9 पे, 9 - 8 दैट इज 1/63, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/63। सो डी और ए दोनों की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड 63rd टर्म, इसकी जो 63rd टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए देखिए, a 63 यानी कि क्या होता है, a प्लस 62d। अब आप क्या करेंगे, a और d की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है 1/63 प्लस 62 × 1/63, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा 1/63 प्लस 62/63। सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 63, 1 + 62 हो गया ऊपर, यानी कि 63/63 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इनकी जो 63rd टर्म है वो कितनी है 1, सो आंसर इज 1। तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप सिस्टमेटिकली वे से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी वे से आपका आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें फॉर एपी शो दैट, ये एक क्वेश्चन है, हमें इसको एलएचएस को यहाँ पर आरएचएस में प्रूव करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा कैसे किया है सॉल्व इसको। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले माइंड में हमने क्या रखना है, हमने ये की फॉर्मूला माइंड में रखना है, ये वाली चीज़। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए के पैर में क्या है यहाँ पर n, राइट। तो यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर क्या आ जाता है n आ जाता है। यहाँ पर a के पैर में कितना है p, ठीक है। तो पहले मैं a की पावर p खोल लेती हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन की जगह पर मैं आप क्या डाल दूंगी, p माइनस वन इंटू डी, क्लियर। यहाँ पर a के पैर में n था तो यहाँ पर n आएगा, जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं खोलती हूँ a p प्लस 2q, p प्लस 2q। अब a के पैर में क्या है, p प्लस 2q, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर भी क्या आएगा, p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, वैसे का वैसे ही रहेगा फॉर्मूला सारा, सिर्फ जो पैर में है a के वो यहाँ पर आता जाएगा। अब LHS सॉल्व हो गई, इस तरह से हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम LHS देखते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है, इनको ओपन कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, मैंने ये लिख लिया पहले, प्लस ये वाला a प्लस p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे, a प्लस pd माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास
डी प्लस ए प्लस पी इंटू डी पी डी माइन प्लस टू क्यू डी माइनस डी। जो जो कटते हैं वो आप काट सकते हो, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता कुछ कटेगा। ठीक है, देखिए a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया। पी डी प्लस पी डी कितना हो गया, 2pd। ठीक है, माइनस डी और माइनस डी कितना हो गया, माइनस 2d। ठीक है, और ये कितना आ गया, प्लस 2qd। ठीक है, इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करिए। अब सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस, यहाँ पर बचा पी डी माइनस डी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब a को छोड़कर इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम d कॉमन ले सकते हैं, तो d कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से हम d कॉमन ले रहे हैं, इस a को ऐसे ही रहने देते हैं, ये तीनों में से हम d ले रहे हैं कॉमन। तो d जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा p प्लस, यहाँ से क्या बचा माइनस वन, माइनस वन प्लस क्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन। क्यू को इधर लिख लीजिए, वन को उधर लिख लीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं किसी का फॉर्मूला बन रहा है, बट आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। ठीक है, ये मैंने जितना सॉल्व कर लिया ओके है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, टू ट्वाइस ऑफ a के पैर में क्या है, p प्लस क्यू। ठीक है, इसको मुझे खोलना है। ठीक है, a के पैर में क्या है, p प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पर यहाँ पर क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर टू। बन गई वही चीज़ जो हमने LHS में क्रिएट करी है, दिस इज इक्वल्स टू LHS। सो हैंस प्रूव्ड कि RHS इज इक्वल्स टू LHS। ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है यहाँ पर, आपके इस फॉर्मूले का। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप कोई भी चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन AP इज 12। यहाँ पर AP में कोई नंबर्स नहीं गिवन होते। मैंने आपको AP का जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाया था तो उसमें बताया था कि अगर जनरल नंबर्स लिखने हो AP में तो हम हमेशा नंबर्स लिखेंगे, लेट द नंबर्स आर a माइनस डी ए ए प्लस डी। ठीक है, ये होते हैं तीन नंबर्स। अगर पांच बोले हों तो इसके इधर वाला लिख लेते हैं a माइनस टू डी और उधर वाला लिख लेते हैं a प्लस टू डी। ये हम जनरल नंबर्स लेते हैं हमेशा। अब तीनों नंबर्स का सम कितना गिवन है हमें, 12। यानी कि तीनों का सम a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस ए यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। ठीक है, इन तीनों का जो क्यूब है, ठीक है, उनका सम है, उसका कितना दिया हुआ है, 288। मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब, इन तीनों का जो सम है वो कितना दिया है, 288। अब यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मालूम है तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट डाउन कर दूँगी, 4 माइनस डी होल क्यूब प्लस 4 होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 288। अब आपकी सॉल्विंग पार पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या करना है, आपने a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। मैं लगा रही हूँ a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब का मतलब हो गया 4 का क्यूब यानी कि 64। ठीक है, माइनस d का क्यूब माइनस 3ab, 3ab का मतलब हो गया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू डी 12d इंटू 4 माइनस डी प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। राइट, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे, 4 का क्यूब 64, b का क्यूब d क्यूब प्लस 12d
इंटू फोर प्लस डी इज इक्वल्स टू 288। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 64 और ये वाला 64, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ये होते हैं हमारे पास 192, 64, 64 और 64, ठीक है। अब यहाँ से डी क्यूब और डी क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, माइनस 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास 48, तो यहाँ से आ गया माइनस 48 डी, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 12 डी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से 64 ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, यहाँ से फिर से 12 इंटू 4 48D plus 12D square is equals to 288। यहाँ से 48 और 48D कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 192 प्लस 12D प्लस 12D 24D square is equals to 288। अब आप क्या कर सकते हैं, 24D square is equals to 288 minus 192, इसको माइनस कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 18 में से 9 गए 96, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वेयर आ गया आपके पास 96 डिवाइड बाय 24, दैट इज 4, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 2, ठीक है। मतलब 2 आ गई क्योंकि स्क्वेयरिंग था, तो प्लस माइनस 2। अब आपके जो नंबर्स बनेंगे वो दो दो तरह के बनेंगे। कैसे, एक बार हम a इज इक्वल्स टू 4 और d इज इक्वल्स टू प्लस 2 के साथ करेंगे, और एक बार हम करेंगे a इज इक्वल्स टू 4 और d इज इक्वल्स टू माइनस 2। जब आपके पास व्हेन a इज इक्वल्स टू 4 है और d की वैल्यू प्लस 2 है, ठीक है, तो आपके पास नंबर्स थे ये वाले a माइनस d, a और a प्लस d, यहाँ से बन जाएंगे 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 4 और a प्लस d कितने हो जाएंगे 6। तो पहली बार नंबर्स का सेट क्या बना, 2, 4 एंड 6, ठीक है। अब जब हमारे पास a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू माइनस 2 है, तो आपके पास नंबर्स क्या बनेंगे, 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 6, 4 एंड 2। तो एक बार 2, 4, 6 बनेंगे, एक बार 6, 4, 2 बनेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने एपी के ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स देखी हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट बनाऊंगी मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का ही। उसके बाद हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का ही, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और इस चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे।